मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रीमी क्रीमी मैंगो सॉफ्ट आइसक्रीम। सच में आप ये वीडियो देखकर फौरन ही आइसक्रीम बनाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। आज हम ये आइसक्रीम बनाएंगे बिना कॉर्नफ्लोर, बिना कस्टर्ड पाउडर, बिना क्रीम, बिना गेहूं के आटे के, सिर्फ घर में रखी एक सीक्रेट सिंपल चीज़ से आप ये टेस्टी आइसक्रीम बना पाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ली है 500 ml फुल फैट क्रीम दूध, इसे हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। और आज की जो ये रेसिपी है उसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो है बिस्किट। ये बिस्किट मेरी बिस्किट है, इसका इस्तेमाल करके हम क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट आइसक्रीम बना सकते हैं। यहाँ मैं 10 के करीब बिस्किट ले रही हूँ। मेरी बिस्किट का कोई अपना फ्लेवर नहीं होता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें शुगर भी बहुत कम होती है। और इस बिस्किट का यूज़ करने के बाद हमें ना ही तो कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही तो कस्टर्ड पाउडर की। बिना कस्टर्ड पाउडर के और बिना कॉर्नफ्लोर के भी हम ये बहुत ही लाजवाब क्रीमी आइसक्रीम बनाकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ हमने जो बिस्किट ली थी उसके हमने पीसेस कर लिए हैं और इसे हम मिक्सी में चला लेते हैं और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए ये हमारा पाउडर है वो बनकर तैयार है बिस्किट का। अब हमने जो दूध गर्म करने रखा था उस दूध में से हम 4 से 5 चम्मच दूध इस बिस्किट के अंदर डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा दूध और भी ऐड कीजिएगा। और इसे हम अच्छा सा घोल बनाकर तैयार करना है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो बिना भूले लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस कीजिए। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या तो आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना भूले मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम इस दूध में 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड करेंगे और चीनी को हम अच्छी तरीके से दूध में मिक्स कर लेते हैं। दूध को हमें 5 से 7 मिनट तक उबालना है। फ्रेंड्स, ये बात आप खास याद रखें कि दूध को हमें 5 से 7 मिनट तक लगातार उबालना है। जब दूध 5 से 7 मिनट उबल जाएगा उसके बाद हमें ये जो हमने बिस्किट का घोल बनाकर तैयार किया था वो हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। देखिए इस तरीके से एक हाथ से हमें बिस्किट का घोल दूध में डालना है और दूसरे हाथ से हमें चम्मच लगातार हिलाते हुए मिक्स करना है और इसे हमें अच्छी तरीके से गाढ़ा होने तक पकाना है। तो हमें इसे लगातार हिलाते हुए ही पकाना होगा। फ्रेंड्स, यकीन मानिए एक बार आप इस स्टाइल से आइसक्रीम बनाकर देखिए आप इसके दीवाने हो जाएंगे। आप बार बार इस तरह की आइसक्रीम बनाकर खाना पसंद करेंगे और वो भी बिल्कुल कम बजट में। हम अपने घर में रखी हुई चीज़ों से ही आसानी से बनाकर तैयार करते हैं। तो आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि आपका ये आइसक्रीम कैसा बना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। देखिए ये गोल धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, हमें इसे गाढ़ा करना है। देखिए गोल गाढ़ा हो चुका है और ये हमने इसे बिल्कुल ठंडा भी कर लिया है। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे मिक्सी में डालना है। फ्रेंड्स, आपको गरम गरम में मिक्सी में इसे नहीं चलाना, एकदम गोल ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे मिक्सी में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके बाद हम इसमें एक आम लेंगे। आम मैंने एक लिया है, इसके हमने इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। आम को भी हम बिस्किट के घोल के साथ मिक्सी में अच्छी तरीके से एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। देखिए हमारी ये पेस्ट बिल्कुल बनकर तैयार है। कोई कह सकता है कि ये हमने बिस्किट से बनाई है, कितनी क्रीमी पेस्ट बनकर तैयार हुई है, एकदम स्मूथ और क्रीमी, बिना कॉर्नफ्लोर और बिना क्रीम के भी। अब हम इसे और भी क्रीमी बनाएंगे ताकि हमारा आइसक्रीम और भी टेस्टी बने। तो इसके लिए हमें इसमें ऐड करना है 3 चम्मच मिल्क पाउडर। यहाँ हम 3 टेबल स्पून भरकर
मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप घर में रखी हुई मलाई ऐड कर सकते हैं। जो दूध हम गर्म करते हैं उसके ऊपर जो मलाई जम जाती है वो मलाई आप ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको एक से दो दिन की मलाई लेनी है, ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं लेनी है। तो अगर आप मलाई डालते हैं तो एक बाउल आप मलाई ऐड कीजिएगा, और मलाई डालने के बाद आपको एक से दो बार ही चर्न करना है वरना बटर उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए हमने मिक्सी को एक से दो बार ही घुमाया है और ये हमारा देखिए आइसक्रीम का जो पेस्ट है वो बिल्कुल एकदम रेडी है। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा कलर येलोनेस कम लग रही है तो मैं यहाँ येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच दूध के साथ इसे घोलकर मैंने तैयार किया है, और ये जो हमारा क्रीम जो तैयार हुआ है, आइसक्रीम की पेस्ट तैयार हुई है, इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं एयर टाइट कंटेनर में, देखिए इस तरीके से। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने फूड कलर बनाया था वो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ही ऐड कीजिएगा वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि अंदर जो बबल्स हो वगैरह दूर हो जाए। अब हम इसे सेमी सॉफ्ट होने के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है तो इस तरीके से तैयार हुआ है। इसे हम चम्मच की मदद से निकालेंगे और फिर से मिक्सी में चलाएंगे, और मिक्सी में हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे ताकि ये बिल्कुल एकदम क्रीमी सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए। देखिए मैंने मिक्सी में चला लिया है और ये एकदम क्रीमी सॉफ्ट हो चुका है। इसे मैंने चम्मच की मदद से इसको एक लेयर कर लिया है बिल्कुल इक्वल, और हम इसे अब गार्निश करेंगे पिस्ताचियो के साथ। आप चाहे उससे ड्राई फ्रूट यूज़ करके या तो आप टूटी फूटी का भी यूज़ करके इसे गार्निश कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत ही लाजवाब स्वाद में भी बनकर तैयार हुई थी। हमारे घर पे तो सभी ने इसे बहुत ही पसंद किया है, आप भी ज़रूर से बनाइए और इस गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का इंजॉय कीजिए। देखिए बिल्कुल बाजार जैसा एट्रैक्टिव लुक लग रहा है ना कि हाँ हम भी फैमिली पैक लेकर आए हैं मैंगो वाला, है ना। अब हम इसे इस तरीके से फॉइल पेपर से इसे कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर क्रिस्टल न जमे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर है या प्लास्टिक की कोई भी थैली वगैरह का भी यूज़ करके इसे कवर कर लीजिए, और एयर टाइट ढक्कन से इसे बंद करके फ्रीजर में रख दीजिए। मैंने यहाँ इसे दूसरे दिन निकाला है, देखिए ये बहुत ही हार्ड और अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। इसे आप थोड़ी देर ऐसे ही रखिएगा या तो फिर आप स्कूपर की मदद से इसे स्कूप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्कूपर की मदद से इसे स्कूप किया है, और हम इसे देखिए इस तरीके से बाउल में निकाल रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी दूसरी आइसक्रीम की रेसिपी या कच्चे आम की रेसिपी की वीडियो देखनी है तो मेरी चैनल पे आप ज़रूर से विजिट कीजिएगा, आपको वहाँ पे ढेर सारी मैंगो की रेसिपी देखने को मिलेगी। मैंगो मिल्क शेक है, मैंगो चटनी, मैंगो आइसक्रीम, डिफरेंट फ्लेवर के आइसक्रीम भी मैंने मेरी वीडियो में डाले हुए हैं। आप ज़रूर से वीडियो को वॉच कीजिएगा और आप भी इंजॉय कीजिए ये ठंडी ठंडी क्रीमी क्रीमी मैंगो आइसक्रीम। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और बिना भूले मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन आपसे मिलता रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो बिना भूले लाइक का बटन भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।